नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो दोस्तों, आज जो गौरव भैया कुछ चीज़ें हमें दिखाने वाले हैं, तो गौरव भैया से खुद पूछेंगे कि गौरव भाई आप क्या दिखा रहे हो। और भैया, जो आपने कल जो वीडियो बनाया था, जो शायद आज डला होगा, वो 8403 मील का था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो चरखियाँ जो थी वो ऊँचे पेटे की थी। अब ये नीचे, मतलब छोटा जैसे होता है ना, इसमें आर पार दिख नहीं रहा, इनका पेटा बहुत नीचे है, तो इससे क्या है, चरखियाँ थोड़ी लंबी बनवाई गई है। अच्छा, मैं आपको इसके तो मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है अंदर से जो है वो छोटा है, तो भराव पूरा आएगा इनमें। ये 123 की चरखी है, ये 3 मील की है ना, तो आप देख सकते हो। और ये 8400 की चरखी है, 3 मील की, तो इतना फर्क है। तो भैया, ये भी बोलते ना कि जो डिमांड होती है उसको पूरा फुलफिल कर रहे हैं इससे भी, क्योंकि जो बड़े बेटे की चरखियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी। अब भैया, आप इसका ढर्रा एक बार चेक करना और बताना कि कितना बढ़िया इसमें सुताई कर रखी है, क्योंकि ये जो चीज़ है आप यहाँ देखिए, पूरे बल खुले हुए होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये फसके और फैज के दोनों में काम करेगी। तो भैया, मैंने आज आपको एक स्क्रीनशॉट और शेयर किया था। देखिए दोस्तों, कितना शानदार, एक तो इसमें कहाँ चमक रहा है आप देख रहे होंगे। और इसके मैं एक बार बताऊँ दोस्तों, ये जो कारीगरी है ना, मजाक मस्ती की बात तो सबसे अपार्ट ये देखिए, मैं पहली आपको इसे वो दिखा दूँ। ये जो वायर की तरह से खड़ा भी हो रहा है, और जो इसके अंदर स्मूथनेस के साथ में जो स्ट्रांगनेस दिख रही है ना, यानी कि ताकतवर जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, इसकी ताकत, इसकी तासीर देखिए दोस्तों ने, बहुत मुट्ठी भीज भीज के इसको ये करा है, जिससे कि इसकी वो माड़ खत्म हो जाए, लेकिन इसकी माड़ कैसे भी खत्म नहीं हुई। ये इतनी शानदार, इतना मतलब स्मूथ में भी ऐसा वायरिंग वाला काम करके दिया है कि आपको सही में मज़ा आ जाएगा दोस्तों, खासकर खिंचाइयों को। और ये तो भैया सैपे भी काम करेगा आराम से। कर रहा है भैया, क्योंकि आज वो आया ना एक फीडबैक की, उसने नॉन स्टॉप से कितने 15-16 पेज काट दिए। 52 ईयर ओल्ड के हैं वो। तो दोस्तों, डोरे बहुत अच्छी लड़ रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं। और हमने कितने में दिए थे भैया, 1100 रुपये में ना, 1100 रुपये में करीबन 5,500 गज हमने दी थी। और उन्होंने आज जो 15 पेज काटे वो भी अद्धी से, और उन्होंने खुद ने ही दिया हुआ, और वो खुद भी लिख देंगे ये वीडियो देखने के बाद। मेरा स्टेटस देख सकते हो अभी आप, मैंने वो स्टेटस भी लगा रखा है। तो भैया, एक बार ये बताइए कि इसके इस कलर में और उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने कारीगर से एक ही बात करी थी कि थोड़ा सा आप इसमें जो है कांच बढ़ा के दीजिए, टेम्पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप देखिए कि कोई फर्क नज़र आ रहा है क्या। ये देखिए, उसमें इसमें सही में ही है, सुताई के अलावा इसमें जो कांच जो उछल रहा है ना, वो भी फील हो रहा है भैया इसके अंदर। भैया, कभी ऐसी जो बातें हुआ करती थी कि गहरे कलर ही लड़ते हैं, तो अब आप बताओ कि हल्के कलर में भी दम है या नहीं। भैया, आपने वुल्वरीन के जो कांटे निकलते हैं वो देखे ना भैया, वो हाथों के बीच ऐसा लग रहा है भैया, कांटे निकल आए हैं उसके अंदर से भाई साहब। ये तो सफाई के साथ, और से ये कलर भी देखो कितना बढ़िया बल्ब खुला हुआ। तो दोस्तों, ये आपका प्यार मोहब्बत ही है कि जो हम इस रेंज में आपके लिए काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर बल्ब में काम नहीं करते दोस्तों, तो फिर ये प्राइस रेट मिलता भी नहीं है। बल्ब का मतलब ये देखिए दोस्तों, तो जो हम इसमें छोटी चरखियों में हमेशा थोड़ा सा डोट निकाल के दिखानी पड़ती है, क्योंकि 12 रील पे तो क्या होता है कि एकदम से जो होता है ना, बिल्कुल ऊपर से डमरू बना हुआ होता है, तो उसमें से फट से गिर जाता है, इसमें अंदर तक का भराव रहता है। तो देखिए दोस्तों, टेम्पर अगर आप इसको सीधा खड़ा करते हैं तो इस तरीके का टेम्पर रहता है। और ये देखिए आप, इसकी क्वालिटी फिनिशिंग देखिए आप, बहुत ही शानदार फिनिशिंग है, बहुत शानदार। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम रेट में बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना दें। बिल्कुल ना, पहले वाला जो मैं बोल रहा था ना, उसमें बढ़ रहे थे, वो जर्दी वाला अंडा लग रहा था, बॉयल होने ना अंडा, बिल्कुल ऐसा ये ऐसा लग रहा है भैया, जैसे अभी खूंखार हो रहा है, गोल या महीनदार अंदर बैठी हुई। तो दोस्तों, इसमें भी कोशिश करेंगे, आपको कलर प्रोवाइड करा देंगे, पर हाल फिलहाल अभी जो ये चरखियाँ हैं वो ये वाली चरखियाँ बची हैं, जो हम आपको शिप करेंगे। तो अब यही चरखियाँ बची हुई है, आपने कितना निकल गया आज सुबह जो अपन ने डाला वो है? उसका करीबन 50 से 55 का ऑर्डर है, अभी जब पैक हो जाएगा तो पूरा चलेगा, क्योंकि वो हमारे पास 60 ही थी। तो कई बार होता है ना कि ऑर्डर हमने एक दो को बोलते हैं कि चलो ठीक है आप कर देना, और वो अगले दिन पेमेंट करते हैं, तो इसलिए हमें ये अर्जेंट में वीडियो बनाना पड़ा, ताकि कईयों को ये ना लगे कि यार हमने एक दिन का टाइम मांगा था। तो हमने इसलिए बना दी कि लोगों को पता रहे कि भाई क्या चीज़ अब अवेलेबल है, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है। और भी रखोगे ना, मतलब स्टॉक मेंटेन होगा, भैया ये दिवाली तक रखोगे? ये 80 से 100 चरखे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़े कम थे क्योंकि वो ऊंचे पेटे के। तो वापस से बता दीजिए कि ये वाले चरखे और उनमें क्या डिफरेंस है, वापस क्या था उसमें जो था भैया, वो जो बोलते हैं ना कि पेटा ऊपर था, मतलब
जैसे जितनी चरखी ना उसका पेटा यहाँ पे था। ये हाँ। जो पेटा होता है दोस्तों, ये जो था ना उसका यहाँ उसका पाइप छोटे डायमीटर का, उसका पाइप बड़ा का पाइप इसका छोटा था, तो उसमें क्या है कि चरखी बड़ी हो रही थी। अभी चरखी थोड़ी सी छोटी है, पर आपको मैंने फर्क बता दिया कि 123 की चरखी और 8400 की चरखी में ये फर्क है। देख रहे हैं दोस्तों, ये 123 की चरखी पे और ये 8400 की चरखी पे। तो ये आपको एक वो डिफरेंस बताने के लिए कि भाई 3 मिल 123 पे कितना भैया रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। सॉरी भैया, देखो रिजल्ट तो अपने ऊपर होता है, चाहे आप सस्ती डोड़ लो चाहे महंगी डोड़ लो। हाँ, ये है कि आपको कभी हताश निराश नहीं करेगी, चाहो तो आप कंपैरिजन कर लेना। तो किससे, मतलब कि कंपैरिजन तो आपने जो भी आपके पास डोर उड़ा रहे हो उससे कंपेयर कर लो भाई। कोई ना कोई तो डोर वो भी उड़ा ही रहे होंगे ना, आप कंपेयर कर लेना। अगर हमारे सपोर्ट में आपको लगे कि हमने कुछ आपको कम सपोर्ट करा है तो आप देख लेना, बहुत वाजिब रेट पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात रिजल्ट की ना दोस्तों, 10 से ऊपर की हवा में आप पोनी बांध देना, अपने आप काटेगी डोर, समझ गए भैया। डोर को अगर आप तना के रखते हो ना और 10 से ऊपर की हवा, मतलब डोर टाइट हो जाती है, तो ये डोर अपने आप ही काटेगी, आपको कुछ करने की भी जरूरत ना पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, गौरव भाई ने अपनी तरफ से तो आपको श्योरिटी और चैलेंज दिया है कि आप लड़ा के देख लीजिएगा 10 से प्लस की हवा में। क्योंकि भैया देखो पेज पे, मैं आपको एक साफ बात बताऊं, आदमी जब कटता है ना तो उसे पता होता है कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो कोई भी जैसे होता है ना कि अनाड़ी आदमी ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे को तो लड़ाना ही नहीं आता, ये नहीं आता। भैया आप तेज हवा में एक पतंग खड़ी तो करके देखो, खड़ी पतंग भी पेज काटेगी आपको, बस उसमें ऑसिलेशन दे दो चलो। आपने वीडियो में पतंगबाजों को खींचते हुए देखा होगा, तो बस उनके जो हाथ चल रहे हैं ना, पतंग खींचो मत, आगे पीछे होते बॉक्सिंग नहीं करानी, जो उनके हाथ चले ना आगे पीछे, बस आप डोर को पकड़ के आगे पीछे कर दो, बाकी काम पतंग अपने आप कर देगी। दोस्तों जो अपन ना मक्खन निकालते तो उसमें भी आगे पीछे कर रहे होते हैं मक्खन, अरे वो नहीं करना डोर को पकड़ के कह रहा हूँ मैं, मतलब केवल पतंग को तेज तेज झटके देने आप, ये समझ लो कि पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी को जोर से मारते हो ना, तो इतना जोर से हाथ नीचे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। ठीक है, समझ गया भैया। अब मैं बोलता देता हूँ, वो नहीं होते, लेकिन जिम में भी एक एक्सरसाइज होती है जो झटके दिलाते हैं, रोप को झटके दिए जाते हैं ऊपर। हाँ, वैसे कर सकते हो, हद तक रोप के पुल डाउन जो होती है वो वेव बनानी होती है रोप से, तो उस वेव की तरह भी आप बस जोर से झटके देते हो। आप डोर खींचो भी मत और ढील भी मत दो, पतंग को अच्छी टाइट हैवी पतंग बनाओ। छोटे बच्चों को यही कहूंगा, जैसे झुज्जे लड़ाते हैं झटका देते हैं ना हम दूसरे से लड़ाने के बाद में, जोर जोर से झटके देंगे तो आप काट देंगे, तो ठीक है। बाकी अगर 15 प्लस की हवा है और आप 500 मीटर डोर को पतंग को निकाल लेना, पतंग अपने आप काटने लग जाएगी, क्योंकि 100-200 मीटर पे तो देखो टाइट भी नहीं होती डोर। बिल्कुल सही। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको नई से नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।